ਉਹ ਜ਼ੈਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏਗਾ ਚੈਨ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ। ਲੱਕੜ ਜਲੇ ਤੋ ਕੋਇਲਾ ਬਣੇ, ਕੋਇਲਾ ਬਣ ਜਲੇ ਤੋ ਰਾਖ, ਮੈਂ ਦੁਖਿਆਰੀ ਐਸੀ ਜਲੀ ਨਾ ਕੋਇਲਾ ਬਣੀ ਨਾ ਰਾਖ। ਬਈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਅਭੀ ਕੋਇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜ਼ੈਨ ਜ਼ੈਨ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੈਨ ਜ਼ੈਨ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਕੰਘੀ ਮਾਰ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਬੋਧੇ ਸ਼ੋਧੇ ਵਾਹ ਕੇ ਹੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜ਼ਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ, ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸੁਲਹਿਰੀਆਂ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज आ रहे हैं हमारे घर मेहमान थाईलैंड एम्बेसी से, जिनके पास हम इस्लामाबाद गए थे ना, वही आ रहे हैं। जो थाईलैंड के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में वो आएंगे और साथ उनकी टीम होगी, तो आज रात वो हमारे घर रुकेंगे, हमारा गांव देखने के लिए आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लोग जाते हैं भाई सब थाईलैंड घूमने के लिए और थाईलैंड वाले जो हैं वो हमारे गाँव आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया जी, वेरी गुड भाई। दस से लाइट चलेगी, बाकी बाबड़ा में चलेगी। अच्छा, बाहर वेदर जो है ना वो बारिश वाला है, तो बारिश आ सकती है, 50-50 चांसेस हैं, तो इसलिए अंदर ना सिलेंडर लगा देंगे ये वाला ना, ताकि अगर अंदर कुकिंग करनी पड़े तो वो भी हम कर सकें, अदरवाइज कुकिंग तो हम खेत में करेंगे, वहाँ पे ही खाना बनेगा, भाई मुबशर बनाएंगे। तो अभी सिलेंडर इधर एहतियातन लगाने लगे हैं। अभी आया हूँ जी पुराने घर ड्राइंग रूम में, ये टेबल चाहिए क्योंकि उस घर जो टेबल है वो छोटा है। इस टेबल को उठाने लगे थे भाई साहब, तो इसके अंदर से एक टक की आवाज आई है, मैं डर गया कि पता नहीं क्या हुआ है, तो वापस हमने जहाँ से उठाया था वहाँ पे रखा है। और इधर देखा है तो ये हो चुका है, देखें। तो अभी इस टेबल को नहीं लेके जा रहे हैं हम, इसको इधर ही रहने देंगे। अभी जाएंगे सकलैन भाई के घर, सकलैन भाई ने नया नया ही टेबल बनवाया है, तो सकलैन भाई से खरीद लेंगे, सकलैन भाई नया फिर बनवा लेंगे। ओ नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ, एक दो दिन के लिए ले, फिर सकलैन भाई ले जाएंगे अपने। तो ये टेबल है जी सकलैन भाई का, तो अभी इसे लेके जाना है। ये कद में हमारे वाले टेबल से थोड़ा बड़ा है, बाकी साइज सेम ही है। हम शीशा जो ऊपर है ना इसको नहीं उतारेंगे, इस दरवाजे से निकलेंगे, ये दरवाजा बड़ा है, और फिर ऊपर से होके इस गली से होते 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 वो सामने घर चले जाएंगे। सही है बादशाह जी, अभी टूट गया था फिर तेरा जी, उसे तोड़ गया था मेरा। टेबल को लेके बिल्कुल घर के पास पहुंच चुके हैं। टेबल इतना वजनी नहीं है, बस हाथों पे ना चुभ रहा है, ये देखें यहाँ पे ना, तो दर्द होना शुरू हो जाती है ना फिर हाथों पे, तो इसलिए हमने ब्रेक ली है। अगली ब्रेक जो है ना वो सामने मोटरसाइकिल हमारी खड़ी है, वहां पे जाके लेंगे, और तीसरी ब्रेक फिर घर ही जाके लेंगे। चलिए बादशाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी टेबल आ चुका है, काफी प्यारा टेबल है माशाल्लाह सकलैन भाई आपका, और टेबल रख दिया है। पहले यहाँ पे ये वाला टेबल था, ये मैंने दीवार के साथ कर दिया है, इधर ये वाला टेबल रख दिया है। और भाई मुदस्सर जो है ना जाले उतार रहे हैं, जाले तो घर वालों ने कल के ही उतार दिए हुए हैं, जहाँ कहीं रह गए हुए हैं थोड़े बहुत वो उतार रहे हैं। वेरी गुड भाई साहब, ऊपर बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है हल्की हल्की और नॉन स्टॉप हो रही है, अगर ऐसे ही बारिश होती रही ना तो भाई साहब कीचड़ हो जाएगा। और अभी धूप निकल आई है भाई साहब, ये सामने रहा सूरज, ये है हमारे टेक्निकल ब्रदर, वेरी वेरी टेक्निकल ब्रदर। तो इधर इनका मोबाइल पड़ा हुआ है आईफोन, और ये हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट है, जो हॉटस्पॉट वाला मोबाइल है ना वो ऊपर पड़ा हुआ है, बारिश हो रही है, तो आपको ऊपर चल के ही दिखाता हूँ मैं। ये देखें, ये गोश्त का डिब्बा है, सही है, इसमें गोश्त लेके आए थे भाई, तो इसके नीचे देखें ये मोबाइल पड़ा हुआ है, चार्जिंग पे लगाया हुआ है पावर बैंक के साथ, और ऊपर ये लकड़ी का चम्मच रखा हुआ है, वाटर प्रूफ बना दिया हुआ पूरा, सही है, हल्का सा जत्ता होता है, सही है, सही है। चढ़ गई है वीडियो थोड़ी, ये फिर भी नहीं चढ़नी, चंगे रहे कपड़े, जिस चीज में पुलाव बनाना है ना वो चीज लेके आए। चले शाबाश जाए भाई, प्लीज क्या क्या करना है, जिसमें पुलाव बनाना है ना वो देखी लेके आए, सुनी नहीं गल वड्डे भाई होरां दी, गुसल खाने में जाने से पहले पहले। हाँ जी गाइस, खुश हो गए आप देख के, यार कुछ लाएंगे खाने के लिए, आ गया है उन... में कुछ जाएगा तो खोल, आ गया ना, ऐसे इनका चेहरा तो मैंने 20-20 साल हो गए देखता हूँ, उकता गए होंगे अब तो देख देख के। नहीं अभी तो छापर है इनके हाथ में। हाँ जी छापर जो है वो कह रहा है बाबा तैयारी करो, जवान गए थे खत्म पे जी सकलैन भाई, और साथ हैं हमारे राणा साहब, बादशाह जित गए, तो ही ये गाँव खत्म था वहाँ पे गए थे, तो चावल लेके आए हैं,
आप खा जाओ ना। मुबारक हो जी, चावल आ गए ने। बच जाओगे फिर दस्यो, अहीं खा लांगे। मेहरबानी बादशो, अभी खाना तैयार हो रहा है मेहमानों के लिए, तो भूख लगी हुई थी। चावल आ चुके हैं, देखो ये हमारे नसीबों में थे। ये तारक भाई हैं हमारे साथ वाले गांव से, इनको भी भूख बहुत लगी हुई थी। ये अच्छी बात तो नहीं है, ये मेरा दोस्त और आप लोगों के साथ बैठ क्लास फेलो, मेरा क्लास फेलो, जिथे बोलता वो लंगर होना उठे बहना कर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, थाई एम्बेसी से अपने मेहमान आ चुके हैं। मिलिए जी मिस्टर एम्बेसडर से, और ये मोहम्मद हैं, इनका नाम नहीं आता, तो अभी आपको पूछ के मैं बताता हूँ। व्हाट्स योर नेम? असम। ओके, मोहम्मद। मोहम्मद, आई नो हिम वेरी वेल। व्हेन आई वाज यंग आई ग्रो अप इन द रूरल एरिया, द कंट्री साइड एज़ वेल, सो दिस इज सिमिलर टू माय ग्रैंडफादर होम। He is a farmer. You also document this moment? Yeah, I love photography. Yes. So normally I take the still photograph. Okay. Which camera do you use? Leica. Leica. Wow. And you know, when I'm complete this term here, I don't know when, I will make a book about Pakistan. Oh, good, yeah. good. I already made some of the article about Gilgit. I know. You show us in the embassy. Yeah. Yeah. But now, you know, we will make a photo book about the whole Pakistan and my experience here. Also include our village. Of course. Thank you so much. मेरी इंग्लिश का पता क्या नहीं साहब है, मैं बोलता रहूंगा, एक टाइम के बाद थोड़ी थोड़ी सेट होना शुरू हो जाएगी। जब एकदम बोलना शुरू करूंगा ना, तो फिर लफ्ज़ जो है ना मेरे मुंह में अटक जाते हैं। सोचा मैंने कुछ होता है कि ये बोलूंगा और मेरे मुंह से कुछ और ही निकल जाता है, तो इंग्लिश मेरी सेट नहीं है। बस अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर कीजिएगा मेरी इंग्लिश को। मोहम्मद के साथ जब मैं एम्बेसी में मिला था ना, तो मैंने वीडियोज़ अपनी दिखाई थी, तब मोहम्मद को बहुत पसंद आया था मेरा गाँव। तो अभी मोहम्मद पूरा इंजॉय कर रहे हैं हमारे गांव में आके। इनको थोड़ी थोड़ी उर्दू भी आती है, थोड़ी थोड़ी उर्दू क्या। अभी तस्वीरें बनाई जा रही हैं जी। गदा रेडी जी, अभी इसकी भी तस्वीर बनाई जाएगी। गदा रेडी देखने तो थोड़े एक्साइटेड हुए थे, तो बच्चे भी आ गए हैं हमारे गांव के, देखें हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं बच्चे भी। नो प्रॉब्लम, ही इज ओके नाउ। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं नाले पे, खेत भी हमारे बिल्कुल साथ ही हैं। अभी हम नाले पे आए हैं, यहाँ पे एम्बेसडर साहब कुछ तस्वीरें बनाएंगे। पानी जो है वो देखने में साफ़ है, वैसे साफ़ नहीं है। सही है, पहले किसी वक्त में साफ़ पानी आया करता था, लेकिन अब साफ़ नहीं होता। देखने में साफ़ होता है, अदरवाइज साफ़ नहीं होता। मोहम्मद भाई गांव के बच्चों के साथ सेल्फी लेते हुए। अभी हैं जी हम आलू के खेत में, तो यहाँ से मिस्टर एम्बेसडर आलू निकालेंगे। You are very lucky. ये लंग की तरह का लग रहा है यार। Wow. This one is special. Hot. Yeah. Wow. अभी जी हम पहुंच चुके हैं सरसों के खेत में। फूल देखें माशाल्लाह, एकदम उरूज पे हैं। और इन दिनों हरियाली जो है माशाल्लाह उसकी तो क्या ही बात है। यहाँ पे भी कुछ तस्वीरें बनाई जाएंगी। अभी हम अपने घर के बिल्कुल पास हैं, इस तरफ वॉलीबॉल का ग्राउंड है और इसके बिल्कुल साथ हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल है। इफ यू वांट टू प्ले, हियर इज द बॉल। विद फुल पावर, या आउट, इट्स आउट। दिस इज लाइक इन यूरोप, कंट्री साइड ऑफ यूरोप। So beautiful. कह रहे हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे यूरोप का कंट्री साइड है। देखिए माशाल्लाह खूबसूरती जो है ना इस वक्त अरूज पे है, विलेज साइड पे। अगर किसी भी विलेज को विजिट करना है ना, तो ये बेस्ट टाइम है। दिसंबर, जनवरी और फेब, ये तीन महीने बेस्ट टाइम होते हैं। ब्रदर आई एक्सप्लेन आवर पास्ट। ओए जत गयो सर, तुहानू सर तुहानू 99.999% सोच नंबर मिल देने। कोले डाल दिए गए हैं, आग जला ली है। हाँ जी, जैसे मुलाकात हुई है मैं कैसे मेरे पूछ लिया सुनाओ की हाल है। ही इज वेरी फनी गाय, बट बिकॉज ऑफ इंग्लिश ही
नहीं 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 मैं कह रहा मैं कह रहा तू बहुत फनी हो बस इंग्लिश दी वजह थोड़ा हाथ थोड़ा कट हो गया था नहीं तो तू इंग्लिश नहीं लगदे उर्दू च तू बड़े बड़े फनी रियल ट्रेन इन इंग्लिश 15 डेज ओनली इंग्लिश इंग्लिश इज ट्रेन इन इंग्लिश ओनली 15 डेज अभी जी बारबेक्यू किया जा रहा है ये जो चिकन है ना ये इस्लामाबाद से लेके आए थे तो ये थाई रेसिपी है तो सबसे पहले ये बना के हम खाएंगे फिर उसके बाद भाई मुबशर ने ये गोश्त जो है ना मैरिनेट करके रखा हुआ है तो ये जी थाई रेसिपी हमारी तैयार है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रेसिपी इन थाई कायांग मीन चिकन यांग मीन मींस ग्रिल सो ग्रिल चिकन ओके वी हैव इनसाइड द सम हर्ब लाइक वी हैव सॉस वी हैव पेपर गार्लिक एंड सम सॉस Okay. Simple but delicious. Okay. Hopefully. तो भाई सब excited हैं थाई फूड खाने के लिए आपने तो खाया है आपने भी खाया है तो यहाँ पे बहुत से जवान हैं हमारे जो पहली दफा थाई फूड ट्राई करेंगे थाई फूड बहुत मजे का होता है थाई फूड वेरी गुड यस यस वेरी गुड नाइस आई एम गोइंग टू ट्राई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम little bit of the sour sweet little bit spicy jinu punjabi ch mithi lohni aa thai food ji alhamdulillah ready ho chuka hai dekhne mein to bahut yummy lag raha hai mashallah zabardast sauce ke sath cheers bismillahirrahmanirrahim thang nong khap cha su ka so we use fresh herb Yeah. Okay. Fresh herb is better for the smell. You are a very good chef. Thank you so much. Don't take him away from me. Very good. Very good. Arai. 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 Thank you so much for this delicious food. Thank you so much. Arai. Arai. अभी हम जा रहे हैं जी घर बारबेक्यू पार्टी खत्म हो चुकी है ये मैंने चार कुर्सियां उठाई हुई हैं ओए ड्रोहड़े ओए वो सही गल है जान बाद मार के मैं पीछे मेरे कौन आ गया मैंने भी तुम वावा पीछे हो मैं पुराने घर आया था दूध लेने के लिए ये गुड़ वाला दूध है तो अभी दूध लेके जा रहा हूँ मैंने घर एम्बेसडर साहब और मोहम्मद और दूसरा लड़का जो है ना वो दूध पियेंगे ऑलवेज वेलकम चीयर्स It's good. Muhammad, see you tomorrow, inshallah. Okay. See you tomorrow. रात हमारे पास ही रुकने का प्रोग्राम था एम्बेसडर साहब का लेकिन कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो यहाँ नहीं रुक सकते तो वो सियालकोट जा रहे हैं वहाँ होटल में रुकेंगे और फिर सुबह वापस आएंगे हमारे पास तो कल का दिन भी हमारे साथ रहेंगे एम्बेसडर साहब चाची जब आपने इधर तेल लगा रहा तब तो शोर बंद हुआ था लेकिन ये कौन साल हो गया ये है जब हम इसे खुला छोड़ते हैं पीछे पहुंचता रहता है तो ये दरवाजा है तो इस दरवाजे से नहीं इस दरवाजे से आवाज आती थी जब इसको खोलते थे ना तो मैंने इसको तेल लगाया तो इसके साथ साथ ही मैंने इसको तेल लगा दिया भाई साहब तो सारे घर वाले इस दरवाजे से अब तंग हैं ये देख जैसे ही खुला रहेगा जाने दे ना टक्की आवाज आने दे फिर से ये बंद किया छोड़ दे इधर इधर को करके नहीं छोड़े ना ये देखें ऐसे है ना हाथ निकाल लें ये बंद कर दिया छोड़ दिया अब ये देखें ये खुद ब खुद वापस आएगा ये देखें और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड बढ़ेगी और ठक करके दीवार में लगेगा ये इसने इधर निशान भी बना दिया हुआ ये देख सकते हैं ये देखें ये लगने लगा है ये इस चीज़ से घर वाले जो है ना बहुत ज़्यादा तंग हैं स्पेशली बच्चे जो हैं ये बहुत तंग हैं तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा बहुत सारा प्यार अल्लाह हाफिज़